हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 200 वैकेंसी आई हैं, जिसकी सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी हैं और आप 15 अप्रैल 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों, इन 200 वैकेंसियों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर की कुल यहाँ पे 120 वैकेंसियां निकाली गई। यहाँ 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ने बीई बीटेक कर रखी हो मैकेनिकल में, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में, और कैंडिडेट के 60% नंबर आए हों, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में यहाँ सिविल इंजीनियर की कुल 30 वैकेंसियां, यहाँ 25 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीई बीटेक की डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग की और डिग्री में उनके 60% नंबर आए हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, यहाँ कुल 25 वैकेंसियां हैं। इस पोस्ट पे 25 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीई बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, और कैंडिडेट के बीई बीटेक की डिग्री में 60% नंबर अगर आए हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट कैटेगरी है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की, कुल 25 वैकेंसियां। यहाँ 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीई बीटेक कर रखी है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने इन फील्ड में यहाँ बीई बीटेक की डिग्री कर रखी है और यहाँ डिग्री के दौरान कैंडिडेट के 60% नंबर अगर आए हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, इन सभी 200 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ 20 सीटें रिजर्व हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ 18 सीटें रिजर्व हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 49 सीटें रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 20 सीटें रखी गई हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 93 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से इन्होंने सारी 200 वैकेंसियों को जो है अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा हुआ है। यहाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट से एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीई बीटेक की डिग्री 4 साल की इंजीनियरिंग की, उसमें जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के यहाँ पे 60% नंबर मिनिमम मांगे गए हैं और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के यहाँ मिनिमम 50% नंबर मांगे गए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 3 अलग अलग फेजेस के एग्जाम के बाद होगा। इसमें सबसे पहले फेज में जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकेंड स्टेज पे दोस्तों ग्रुप टास्क कराए जाएंगे और थर्ड स्टेज पे यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कैंडिडेट का लिया जाएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। ये टेस्ट आपका जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट होगा। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इस पेपर को 2 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले सेक्शन में कैंडिडेट का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे और सेक्शन 2 में जो प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज है, जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग कैंडिडेट से यहाँ सेक्शन 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ सक्सेसफुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्लियर करेंगे, उन सबको यहाँ ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा और ग्रुप टास्क के बाद कैंडिडेट को जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो था दोस्तों इनका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अब देख लेते हैं यहाँ किस पेपर के लिए यहाँ पे कितनी वेटेज रखी गई है। जो पहला टेस्ट होगा फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके 85% वेटेज यहाँ पे रखी गई है और जो ग्रुप टास्क होने हैं उनकी यहाँ 5% की वेटेज है और जो पर्सनल इंटरव्यू है उसकी यहाँ टोटल 10 नंबर की वेटेज है। इस तरीके से यहाँ अलग अलग फेज के एग्जाम की नंबर्स की वेटेज बताई गई है और इसी अकॉर्डिंगली कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया जाए। इन सभी पोस्ट पे दोस्तों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका पे स्केल 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए महीना तक रहेगा और यहाँ दोस्तों जो सिटी से रहेगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो 15,17,000 रुपए रहेगा। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट पे अपर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ कुछ कैटेगरियां हैं जिनको अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जिनकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन
रजिस्ट्रेशन फीस की। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1180 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी इन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।